Welcome back to the LBW Show. This segment is called Caught and Bold. In this segment, we take perspectives from people from different walks of life on a burning issue of cricket. And this time, the topic is pitches. Everybody cribs about pitches in India. The fast bowler says the pitch needs to do something early in the morning. I want to tell the fast bowler, you need to do something early in the morning. Spinners also crib, they want a turning track. Sometimes I want to tell the spinner, it's the ball that turns and not the track. Even in the T20 league, MS is cribbing about pitch, Ponting is cribbing about pitch, but we are going to call somebody on the show whose job is to make pitches. Please welcome Mr. KL Pitchoria. आओ सर आओ आओ जब पिच आप लोगों की पिच यही है हाँ यही ये मुआयना करने इसका पूरा ना अरे साहब जी भाई 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 साहब भाई साहब इंट्रोडक्शन तो दो अभी एक सेकंड काम ऐसे शुरू कर दोगे बैठो बैठो सर हाँ ना छोटू अब पानी का टैंकर भेज दे बेटा ना बेटा हम प्यासे मर जाएं लेकिन पिच नहीं सूखनी चाहिए ये वो ड्राइव हो रही है यार बहुत ज्यादा हाँ जी बताइए आपके बारे में क्या करने हैं नमस्ते जी हम केएल पिचोरिया हैं जी हमारी तीन पीढ़ियां जो है पिच बना रही हैं हाँ मतलब अब तो ऐसा माहौल हो गया किसी को हम पे गुस्सा आता है तो बोलता है सन ऑफ अ पिच इंग्लिश ह्यूमर हो गया है आजकल ये चल रहा है T20 अंग्रेजी प्लेयर के साथ रहते हैं लेकिन पता नहीं बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है आजकल हमारी मतलब इतना तो रोड बनाने वालों की कंप्लेंट ना आ रही जितनी हमारी कंप्लेंट हो रही है नहीं मगर एक बात है कि इतने लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो कोई तो बात तर्क की होगी ना आप कुछ तो काम गलत कर रहे होंगे जी हम क्या गलत हमने क्या गलत काम कर दी आपने अभी खुद कही कि बॉल जो है स्पिन करवाना स्पिनर का काम है तेज डालना उसका हमारे भैया क्या हमारी क्या दिक्कत हो रही हम तो प्यार से बना रहे हैं अजीत व्हाट डू यू से क्रिटिसिज्म तो होती है पिच की ज़रूर आप बात मानता हूँ आपकी आप तो मेहनत से बनाते हो पिच लेकिन अगर खराब पिच है तो खराब पिच है बहुत बड़ी बात है ये जब आप अच्छे पिच बनाते हैं तब हम आपको प्रेस करते खिलाड़ी की ओर से लेकिन अगर पिच पे जहाँ रन ना बने या जहाँ ज्यादा बॉलर फ्रेंडली हो exactly. तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाए और अगर गलत काम कर रहे हो तो बोल दो गलत काम कर रहे हो ऐसा है मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ बच्चे हैं आपके बच्चे ये पिच हमारी बच्ची है जी इसे धूप से बचाते हैं बारिश से बचाते हैं टीम मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स से बचाते हैं है? उसके बाद ये पिच ऐसी रहती है और फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं कि पिच इज नॉट बिहेविंग वेल आपके बच्चे के लिए कोई कहे कि ही इज नॉट बिहेविंग वेल कैसे लगेगा आपको अच्छा लगेगा क्या भैया और चेन्नई के कैप्टन से खराब बिहेव कर रही है क्या हमारी पिच नहीं बात तो सही है लेकिन अब खिलाड़ी की तरफ से देखे पिच आपको सही चाहिए जब आपको और ऑडियंस देखने आई है ना मैच आपकी पिच लो गई बॉल पहुंचे नहीं है बैट्समैन तक तो फिर लोग चले जाएंगे एक बात बताओ भैया आप तो बोल रहे हो यार आप हमें जो बताओ नहीं हमारे लिए तो आप जितनी खराब बनाओ उतना अच्छा नहीं आप बढ़िया हो इसलिए ना बाकियों से आप पूछो बहुत दिक्कत हो रही कई लोगों को पर मैं बोल रहा हूँ कितना हम लोग बैट्समैन फ्रेंडली बना ले इस पिच को अब मतलब ऐसा करो सारे तुम ओवर है ना उन्नाद कट से डलवा लो कि सीधे बल्ले पे ही आए तुम मारे जाओ या अंडर आर्म बॉलिंग करवा लो मतलब ये भैया पिच है स्टूडेंट ऑफ द ईयर थोड़ी है कि एक ही फॉर्मूला लगाए सेम सेम बने जाए हद हो रही यार एक बात बताओ सर रिकी पॉन्टिंग इतने महान खिलाड़ी वो कहते हैं दिल्ली वॉज द वर्स्ट पिच ही हैज एवर प्लेड ऑन सो वॉज द टीम ये तो नहीं कही उन्होंने कभी है कहा उन्होंने कभी अपनी टीम के लिए कभी नहीं कहेंगे पिच के ऊपर दोष देंगे हैं मगर जीत रहे ना अभी सर तो हमारी भी तो चार पांच पिच अच्छा प्रदर्शन कर रही है उसके बारे में ये बात नहीं कर रही ये बायस नहीं है भैया आप बताओ यार है? ये तो सही कह रहे हैं आप अगर चेन्नई का ही मैच ले लो पहला मैच टूर्नामेंट का पहला मैच आप इतना क्राउड आया मैच देखने एक बैंगलोर की टीम 70 पे आउट हो जाती है ऐसे पिच पे खेल के किसी को फायदा नहीं होता लेकिन बॉल टर्न कर रही थी ना उस दिन हैं अब सोचो बॉल ने 11 साल के बाद टर्न करना शुरू कर दिया है लेकिन बेंगलुरु की किस्मत टर्न नहीं कर रही है मतलब मैं कह रहा हूँ ब्लैक होल तक की फोटो आ गई है लेकिन कोहली साहब के हाथ में T20 की ट्रॉफी की फोटो आप देख ले फिर निकलेंगे ये बात तो ठीक है मगर सिद्धू ने कहा था एक बार पिचेस आर लाइक वाइव्स यू नेवर नो व्हेन दे विल टर्न और उसी से उन्होंने सीखा था कि करियर में कैसे टर्न लेना है कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ वहाँ कभी उसके बारे में बात नहीं करते सब अपने अपने हिसाब से जी सब डिफेंस कर रहे हैं अटैक कर रहे हैं अजीत भैया ये बहुत दिक्कत है सर अभी तक जो हुआ है वो जाने दो मगर आगे कंप्लेंट ना आए इसके लिए आप क्या कर रहे हो बहुत कंप्लेंट ऑलरेडी आ चुकी है भैया एक और कंप्लेंट आई ना मैं पूरी पिच खोद दूंगा और लिख दूंगा यहाँ टेलीफोन वायर बिछ रही है कार्य प्रगति पर है कृपया शांति बनाए रखें और यहाँ अजीत भैया इतना पिच पिच कर रहे हैं अभी इंग्लैंड में जाएंगे जब पिच वाड़े में बॉल घुसेगी तो क्या कहेंगे ये है? और भाई एक चीज बताओ सारे दिक्कत दिक्कत कह रहे हैं रसल भैया ने कहीं कही कि पिच की दिक्कत है मेरे ते रन नहीं बन रहे मेरे ते खेला नहीं जा रहा है अच्छा सर आंद्रे रसल आपके दोस्त है क्या
दोस्त वोस्त नहीं है भैया, उनके साथ अलग रिश्ता है हमारा, उनका हेयर स्टाइलिस्ट हूँ मैं। दरअसल क्या है, सर पे पिच है ना उनके, तो अपने पिच को हल्का सा गीला कर देते हैं, हम रोलर चला देते हैं उनके ऊपर। रसल भैया का ही कॉल आ रहा होगा पक्का। हाँ रसल भैया, हाँ हेयर आई कम, ऐसे पन पन खेलते रहते हम लोग, हेयर आई कम। हाँ आ रहा हूँ रोलर, हाँ फावड़ा लेके आ रहा हूँ, नहीं चला देंगे, सब कर देंगे सही एक बार में। हाँ So after meeting Mr. Pitchoria, I have understood why it's called Pitch Curator. He was truly an art form. It's time to water our pitches and take a drinks break. Till then, you can like and follow us on our Facebook page, The Bodog Life, and on Twitter, we are at The Bodog Life.